कोरोना काल में पड़ोशी देश चीन की हरकतों की भारत में राजनीति गरमायेली तो है, देश में संतों ने पण वर्तमान समय देश माटे पड़कार रूप लागी रह्यो छे। दक्षिण भारत प्रसिद्ध वैष्णव संत त्रिदंडी चिन्नाजीआर स्वामी हैदराबाद स्थित आश्रम में वीआईपी नेताओं आवन जावन चालू रहे छे। हमणां ज मध्यप्रदेश मुख्यप्रधान शिवराजसिंह चौहान चिन्नाजीआर स्वामी दर्शन माटे स्वामी हैदराबाद स्थित आश्रम पहुंचा था। सीएम शिवराजसिंह आशीर्वाद आप्या बाद मीडिया साथे बात करता चिन्नाजीआर स्वामीजीए कहू कि कोरोना अने चीन साथेनो सरहद विवाद देश माटे संकटनो समय छे। आ संकटना समय एक बीजा साथे उभा रहेवानो छे। अपना भारत एक संकट स्थिति में है। एक ओर से महामारी कोरोना लोगों को अपनी ताकत दिखा रही है और दूसरे ओर से कोरोना को जिन्होंने चालू किया और संसार पे छोड़ दिया वो लोग अपने पूछ को हिला रहे हैं, और एक तरफ से और कुछ लोग कुछ करने के लिए सोच रहे हैं। और ऐसा संकट काल में हर एक व्यक्ति को एक दायित्व है, वो है अपने जनता को ताकतशाली बनाना है और साथ ही साथ भगवान की कृपा और शक्ति को साथ लेने का आवश्यकता है। और यथा राजा तथा प्रजा, ये भी तो एक बात है, जैसा पालन करने वाले संसार को, दुनिया को, राज्य को और देश को चलाने वाले होते हैं, वैसे ही लोग भी रहते हैं। यदि चलाने वाले धार्मिक, आस्तिक और देश स्वाभिमानी बनता है। बीजी तरफ मुख्यप्रधान शिवराजे विश्वास अपाव्यो कि देश मजबूत नेतृत्व ना हाथ में छे अने बहु जल्दी तमाम संकटों देश पर थी दूर थई जशे। और ऐसे समय जब चीन भी दुस्साहस कर रहा है, पाकिस्तान, चीन, लेकिन नेतृत्व श्रीमान मोदी जी के हाथों में है। चीन ने हमारी सीमाओं की तरफ बढ़ने का प्रयास किया तो हमारे जवानों ने उनके जवानों की गर्दन भी तोड़ दी। ये 62 वाला भारत नहीं है, लेकिन अनेकों चुनौतियों से जूझ के जीतेंगे मोदी जी के नेतृत्व में, हमारा अटल विश्वास है। पोतानी पत्नी अने पुत्र सहित भोपाल थी आवेला मुख्यप्रधान शिवराज सिंह चौहान चिन्नाजीआर स्वामी आशीर्वाद मेळव्या अने त्यारबाद आश्रम की मुलाकात पण लीधी। आ अवसरे माय होम ग्रुप चेरमेन डॉक्टर रामेश्वर राव अने तेमना परिवार सहित महत्वना लोको हाजर रह्या हता।